बिजनौर से हैं अमित, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार हकीम साहब। अमित जी, स्वागत आपका। जय हिंद। जी मेरी ये समस्या है सर, मैं अभी मेरे पिताजी के शुरुआत के बाद दो साल के बाद मुझे ऐसा अकस्मात ऐसा हो जाता है कि मैं घबराहट में मुझे मेरा बीपी हाई हो जाता है और मुझे मतलब बेचैनी महसूस होती है। तो उसके बाद मैं एकदम तुरंत ठंडा पानी ले लेता हूँ उस दरमियान, तो मुझे तब शांति मिलती है, नहीं तो मेरा बीपी मतलब एक दिल की धड़कने में काफी बढ़ जाती है। एज कितनी है आपकी? मेरी 45। ठीक है। और देखिए, बहुत असर होता है उन लोगों पर जो अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, तो काफ़ी दिन तक इसका असर होता है। लेकिन माँ बाप हो या कोई हो, जब वो दुनिया से, सबको जाना ही है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, हमारे बाद हमारी औलाद, आपके बाद आपकी औलाद रह जाएगी। और मनुष्य को सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये जो माँ बाप है, ये भगवान देता है, और जिसने दिया है वो ले भी सकता है। और एक सिलसिला है कि हमारे पीछे कुछ और, कोई और आ जाएगा, हमारी जगह कोई और ले लेगा। फिर हमें माँ बाप की तरह मजबूत बनना है, अपनी औलाद पे काम करना है, और वो जहाँ है वो हमसे बेहतर जगह है, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें भी बहुत एहसास होता है अपने माँ का, अपने बाप का, और आज तक परेशान रहते हैं, कभी नींद से उठकर परेशान, ऐसे घबरा जाते हैं। तो रास्ता ये है, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए पुण्य करो और उनके लिए दान करो, ताकि उनको वहाँ पर आसानी हो। अब ये उम्र भी ऐसी है जहाँ हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने से हमारे दिल को बहुत मुश्किल आती है खून को फेंकने में, क्योंकि दिल हमारा एक बज़ाहिर एक पंप है, जो जैसे पानी को फेंकता है पंप, ऐसे ही। तो अगर उस दिल को परेशानी आती है खून गाढ़ा होने से या मोटा होने से, इसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है। 40-45 साल के बाद हर किसी की चर्बी ज़्यादा होती ही है। इसको पतला करने के लिए एक नुस्खा है बहुत अच्छा, और आपके लिए बहुत आसान है। आपके किचन में एक चुटकी सोडा खाने का लीजिए और 2 गिलास पानी मिला दीजिए, और एक नमक आता है जो देखने में नमक होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये दुनिया का सबसे पावरफुल नमक है, जो ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं, वरना नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसको खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। नमक जैतून, अच्छा असली लेना, नमक जैतून भी नकली मिलने लगा है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा आपके किचन में होता है, 2 गिलास पानी मिलाकर दिन भर में बस एक बार या 2 बार ले लिया करें, आपकी ये परेशानी हल होना मुमकिन है। जी